आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक खबर जिला राजौरी के कोटरंका इलाका से आ रही है कि कोटरंका का एक शख्स जो 18 तारीख को लापता हुआ था, उसकी आज डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला राजौरी के कोटरंका इलाके से, जो एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शबीर वल्द शाह मोहम्मद जो है वो बताया जा रहा है। ये शख्स 18 तारीख को 5 बजे के करीब जो है वो लापता हुआ था। जराए के हवाले से बताया गया है कि ये शख्स एलडी गली की तरफ जो है वो गया था अपना लोड कैरियर लेके, जो बतौर डेली वेजर जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहा था। ताम आज उसकी जो है वो डेड बॉडी बरामद हुई है। ये इस वक्त की दुखद खबर हम आपके बीच जो है वो साझा कर रहे हैं। जो शख्स 18 तारीख को जो है वो लापता हुआ था, किसी काम के कारण कहीं गया था और रास्ते में बताया जा रहा है कि अल्टी गली के करीब में उसके जो लोड कैरियर था वो वहाँ पे खड़ा था और उसके अंदर ना चाबी थी, गाड़ी भी जो है वो खुली थी, लेकिन मोहम्मद शबीर जो है वो लापता हो गया था। उसके बाद मीडिया के ऊपर भी खबर नशर की गई कि इस शख्स का पता जो है वो लग सके। ताम आज जो अब से थोड़ी देर पहले जो है उजराय के हवाले से खबर मिली है कि मोहम्मद शबीर वल्द शाह मोहम्मद की डेड बॉडीज़ जो है वो एलडी गली के करीब जो जंगली इलाका है वहाँ से जो है वो मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस व दीगर जो मुतलका लोग हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो जो है वो वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये बताया जा रहा है कि शबीर अहमद वल्द शाह मोहम्मद की डेड बॉडी जो है वो एलडी गली के करीबी जंगल से बरामद की गई है। याद रहे कि शाह ये मोहम्मद शबीर के 5 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ और 2 बच्चे, और मोहम्मद शबीर की उम्र जो है वो 32 साल बताई जा रही है। जो इससे कबल महकमा पीएचई के अंदर बतौर डेली वेजर का काम भी जो है वो कर रहे थे और अपनी लोड कैरियर गाड़ी को लेके एलडी गली की तरफ जो है वो गए थे, लेकिन 18 तारीख की 5 बजे के बाद जो है वो लापता हुए। ना ही उनका कोई फ़ोन मिल रहा था, ना कोई बात जो है वो परिवार के साथ हुई। और आज परिवार को खबर मिली, पुलिस को भी ये खबर मिल चुकी है कि मोहम्मद शबीर वल्द शाह मोहम्मद की डेड बॉडीज़ जो है वो एलडी गली के करीब जो काफ़ी घना जंगल जो है बताया जा रहा है उस इलाके से बरामद हुई है। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात रहेगी ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे।